हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट हिंदी। तो फ्रेंड्स, फिर से मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको इससे बहुत अच्छा कुछ प्रॉफिट हो सकता है। हम इस बारे में बात करेंगे आज एक 19 बिटकॉइन के गिव अवे के बारे में, जो कि कुकॉइन एक्सचेंज कर रहा है। तो इसमें आप किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस तरह आपको इससे ह्यूज प्रॉफिट हो सकता है अगर आप लक्की हुए तो। और इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ करंट मार्केट सिनारियो के बारे में और एक दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरा हर एक अपडेट मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम करंट मार्केट सिनारियो के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज के हम अगर बात करें तो 14 सितंबर की बात करें तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन का प्राइस है $6,463। और अगर हम डोमिनेंस की बात करें तो डोमिनेंस फ्रेंड्स काफ़ी हद तक बढ़ गया है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने देखा होगा, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी आई थिंक बिफोर वन मंथ, कि किस तरह बीटीसी के डोमिनेंस बढ़ने के बहुत ज़्यादा उम्मीद है और ये बढ़ गया है। फ्रेंड्स, इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा इस बारे में मैंने बताया था, आल्ट कोइन इससे डूब जाएंगे। बीटीसी का डोमिनेंस अगर बढ़ता गया तो फ्यूचर में शायद ही आल्ट कोइन वापस से रिकवर कर पाए। तो फ्रेंड्स, इससे भी रिलेटेड एक हमारे पास न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स, आज ही हम बात करते हैं इंडिया में जो बिटकॉइन बैन है उसके बारे में। अगर आप इस पे निगाह बनाए हुए हैं तो आपने देखा ही होगा किस तरह कोर्ट बार बार हमें हियरिंग के लिए डेट दे देता है। तो फिर से फ्रेंड्स, आई थिंक 18 सितंबर फिर से डेट दी गई है। आई होप कि उसमें कुछ अच्छा हो, अभी तक तो ऐसा कुछ अच्छा हुआ नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कर भी क्या सकते हैं। ये गवर्नमेंट की एक तरह से कुछ भी बगैर सोचे समझे एक बैन दिया गया है, अननेसेसरी लोगों को परेशान करने की वजह बनी हुई है। फ्रेंड्स, एक दूसरी न्यूज़ लेते हैं। फ्रेंड्स, ये न्यूज़ है जो बिनेंस के CEO है उनकी ओर से। तो उन्होंने कहा है जो अभी करंट मार्केट सिनारियो है यहाँ से भी हमें जो टोटल मार्केट और बिटकॉइन है 1000-fold हमें प्रॉफिट दे सकता है। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। अगर ये आप पहली बार न्यूज़ देख रहे हैं और आपको इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है बिटकॉइन के, तो आपको डेफिनेटली ये आपको ऐसा लगेगा कि गलत है। लेकिन मेरी प्रीवियस वीडियो देखना जिसमें मैंने बताया था इस साल में बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन वहाँ तक जाए ना जाए, लेकिन आपको डेफिनेटली आपको अंदाजा ज़रूर लग जाएगा कि 1000-fold क्यों जा सकती है मार्केट। फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं हम इलेक्ट्रोनियम को लेकर। इलेक्ट्रोनियम को लेकर देखता है फ्रेंड्स, मैंने देखा है जो ज़्यादातर जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने इलेक्ट्रोनियम को काफ़ी अभी के कंपैरिजन में काफ़ी महंगा बाई किया हुआ है। उसका रीज़न ये था, जब मार्केट डाउनफॉल में आ गई थी तब भी ये काफ़ी रेजिस्टेंस शो कर रहा था और इसका प्राइस नीचे नहीं आ रहा था। जैसे थोड़ा भी नीचे आया लोगों ने इसे बाई कर लिया है सोच के कि अप जाएगा अप जाएगा, और ये अपनी ICO प्राइस के 20 times भी दे चुका है। तो फ्रेंड्स, इस चक्कर में लोगों ने काफ़ी ये बाय किया हुआ है और अभी इसका प्राइस काफ़ी नीचे आ गया है। लेकिन इसमें अभी गुड न्यूज़ ये है, इसकी एक नई पार्टनरशिप हुई है, वो हुई है मोबाइल स्टीम से, ये एक अर्जेंटीना की कंपनी है। तो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ का कवर करने का रीज़न सिर्फ ये है कि इसमें जो न्यू पार्टनरशिप है इससे इसकी जो लोगों के लिए इसकी जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, इसके जैसे जैसे यूज़ बढ़ेगा, वैसे ही इसके प्राइस फ्यूचर में अप जाने के काफ़ी ब्राइट चांस हैं। एक बिट पे एग्जीक्यूटिव हैं, एक न्यूज़ उनकी ओर से आ रही है। तो उन्होंने कहा है बिटकॉइन विल रिबाउंड, वो वापस आएगा फिर से, आपका जो ऑल टाइम हाई है उसे फिर से गेन करेगा, लेकिन आल्ट कॉइन्स ऐसा नहीं कर पाएंगे। या इसमें हालांकि जो है वर्ड यूज़ किया गया नेवर कमिंग बैक, लेकिन ऐसा होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। जैसे जैसे बिटकॉइन आगे जाएगा डेफिनेटली हो सकता है कि आल्ट कॉइन्स उतना अच्छा परफॉर्म ना करें, लेकिन वो उसके पैरेलल परफॉर्म ज़रूर करेंगे और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। और जो अभी मैं बात कर रहा था, जो बिटकॉइन जो डोमिनेंस की बात कर रहा था, जो मैंने एक महीने पहले न्यूज़ कवर की थी, वो डेफिनेटली एकदम ट्रू हुई है। अगर आपने पहले ही मेरी कोई वीडियो देखी होगी जिसके में मैंने इस चीज़ को बताया था, इससे होगा क्या फ्रेंड्स, जो आल्ट कॉइन है वो मार्केट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन। मैंने जब भी आपको सलाह दी मैंने ये कहा था जो आपकी टोटल पोर्टफोलियो है एटलीस्ट आप उसमें 50% बिटकॉइन रखें, आल्ट कॉइन उसमें 50% ही रखना है। अगर आपने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है तो आपको ज़्यादा ही वेट करना पड़ेगा, बस आपको पेशेंस रखना है, आप रिकवरी वहाँ से भी ले सकते हैं, प्रॉफिट वहाँ से भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आते हैं हम गिव अवे के बारे में। तो फ्रेंड्स, मुझे एक मेल मिला, ये है कुकॉइन की ओर से, क्योंकि मैं ऑलरेडी कुकॉइन को मैंने साइन अप किया हुआ है।
तो इसमें फ्रेंड्स इनकी जो है कुकोइन एक्सचेंज की उसकी एनिवर्सरी है, और वो उसके लिए 19 BTC 19 बिटकॉइन का गिव अवे रखा है। तो फ्रेंड्स मैं उसकी टर्म कंडीशन आपको बता देता हूँ, आपको उसका लिंक भी दे दूंगा, तो उससे आप इजीली आप उसका खुद से आप स्टडी कीजिए। आपको उससे अगर आप लग के रहे तो डेफिनेटली, अगर जो जनरली ज़्यादातर लोग 1 या 2 बिटकॉइन अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी इसमें किस्मत अच्छी रही तो डेफिनेटली आप यहाँ से एक एटलीस्ट किस्मत अच्छे तो 1 या 2 बिटकॉइन आप यहाँ से विन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहली तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये है कि आपको कोइन एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके बाद आपका KYC वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं आप यहाँ से भी ले रहे हैं, तो ओप जो इसकी डेट है, ये जो कंपटीशन शुरू हो रहा है, सॉरी ये जो गिव अवे का प्रोसेस है शुरू हो रहा है 15 सितंबर से 23rd। तो अगर आप यहाँ से भी साइन अप कर रहे हैं तो आपका वेरिफिकेशन 23rd के पहले हो जाना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, इसमें जो होगा फर्स्ट प्लेस प्राइस होगा इसमें 1 BTC, सेकंड का है इसमें वो भी 1 BTC है। ये है 1 से 8 राउंड के बीच, और जो 9th राउंड है उसमें होगा फर्स्ट प्राइस होगा 2 BTC का और सेकंड प्राइस होगा 1 BTC। लेकिन जो सेकंड प्राइस होगा, जो सेकंड 9th राउंड में होगा, वो 1000 यूजर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक और चीज़ है, एक है KCS कुकॉइन शेयर, एक जो कुकॉइन एक्सचेंज का एक कॉइन है, आपके पास एटलीस्ट वो 6 होने चाहिए। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले फिर से आपको एक बार यही दिखा देता हूँ इस कॉइन के बारे में। तो फ्रेंड्स ये है इस कॉइन का, आप यहाँ देख लीजिए करंट प्राइस नियर अबाउट $1.07 है, ऑल टाइम हाई बहुत अच्छा $20 गया हुआ, यानी यहाँ से 20 टाइम्स गया हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ से $7 यहाँ से इन्वेस्ट करके आप इसमें पार्टिसिपेट करते गए में, तो ये ज़्यादा कोई महंगी डील नहीं है, आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से ऑल टाइम आप देख सकते हैं ये $20 गया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा आपको वैसे भी गेन देगा। अगर यहाँ से आप ज़्यादा को मैं रिकमेंड करता हूँ फ्रेंड्स, आप ये से भी बाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप 6-7 या हो सकता है आप 50 या 100 या 1000 थोड़ा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, मीन्स आप इतने KCS कॉइन बाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केट के कहाँ पे अवेलेबल है, तो ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कुकॉइन एक्सचेंज का ही है। तो इसके जितने BTC US डॉलर और कहीं पे भी जो पेयर हैं इसके USDT में है, इथेरियम लाइट कॉइन, ये सब कुकॉइन पे अवेलेबल है, वहाँ पे आप BTC ट्रांसफ़र करके इसे बाई कर सकते हैं। फिर से लौटते हैं फ्रेंड्स टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में, तो आपके पास 6 KCS कॉइन होने चाहिए। आपको करना क्या है इसमें, वेरी वेरी इजी टास्क है, आपको डेली का इसमें आपको बिटकॉइन का प्राइस गैस करना है। आते हैं एक्सचेंज पे, तो फ्रेंड्स एक्सचेंज इस तरह होगा, जब आप एक्सचेंज पे जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ से मिलेगा ज्वाइन प्राइस गैस कंपटीशन टू विन एंड शेयर 19 BTC। आपको जो उस डे का, जैसे आप मान लो स्टार्टिंग फ्रॉम 15 टू अप टू 23rd of September, तो आपको उस दिन का BTC का प्राइस कहाँ से जा सकता है US डॉलर में, आपको गैस करना है। अगर आपका गैस परफेक्ट मैच होता है या नियर बाई मैच होता है, तो आपके उसके विनर हो जाएंगे और आपको मिल जाएगा 1 BTC। तो फ्रेंड्स ये वेरी वेरी बिग एंड गुड अपॉर्चुनिटी, जिसमें हमारा कुछ नहीं जा रहा है, इसमें हम कुछ KCS कॉइन ले रहे हैं, वो भी खुद हमारे ही हैं, हम उन्हें फ्यूचर में सेल कर सकते हैं। मैंने अभी बताया वो $20 ऑल टाइम हाई अपने जा चुका है, तो उसे बाय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स जब भी इस तरह कोई अपॉर्चुनिटी आई है, किसी ने दी है, तो मैंने यहाँ पक्का अपनी वीडियो में शेयर की है। मैं अभी कुछ कम वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ जब भी कुछ कुछ खास अपॉर्चुनिटी होते हैं पक्का बनाता हूँ, और जो इस तरह की कुछ न्यूज़ आती रहती हैं छोटी मोटी है, वो सब मैं उस चीज़ को लेकर वीडियो बिल्कुल नहीं बनाता, क्योंकि वो तो ऐसे ही पता चल जाएगी अगर आप ट्विटर वगैरह यूज़ करते हैं और उन पे कॉइन्स को, जो पर्टिकुलर कॉइन्स को फॉलो करते हैं, तो सब कुछ पता चल ही जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो कुछ भी अच्छी लगे प्लीज़ आप इस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।